जय जय श्री श्री राधे राधे कृष्ण। कृष्ण। आप आप सभी सभी का का आपके आपके अपने अपने YouTube YouTube चैनल चैनल पे पे बहुत 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 स्वागत स्वागत है। है। आइए आइए आज आज आप आप सब सब सुनेंगे सुनेंगे सावन सावन शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत की की कथा। कथा। शिवरात्रि शिवरात्रि का का व्रत व्रत जो जो कि कि प्रत्येक प्रत्येक माह माह की की कृष्ण कृष्ण पक्ष पक्ष की की चतुर्दशी चतुर्दशी तिथि तिथि के के दिन दिन शिवरात्रि शिवरात्रि का का व्रत व्रत किया किया जाता जाता है। है। विशेषकर विशेषकर श्रावण श्रावण महीने महीने का का और और फाल्गुन फाल्गुन महीने महीने के के शिवरात्रि शिवरात्रि का का बड़ा बड़ा ही ही विशेष विशेष महत्व महत्व माना माना गया गया है। है। श्रावण श्रावण के के महीने महीने में में जो जो भी भी भक्त भक्त सच्ची सच्ची श्रद्धा श्रद्धा के के साथ साथ भगवान भगवान शिवजी शिवजी का का पूजन पूजन करते करते हैं, हैं, दत्त दत्त को को धारण धारण करते करते हैं, हैं, इससे इससे भगवान भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ अपने अपने भक्तों भक्तों के के ऊपर ऊपर अति अति प्रसन्न प्रसन्न होते होते हैं, हैं, अपने अपने भक्तों भक्तों के के सभी सभी प्रकार प्रकार के के दुख दुख और और कष्टों कष्टों को को दूर दूर कर कर देते देते हैं हैं तथा तथा सुख सुख और और समृद्धि समृद्धि का का आशीर्वाद आशीर्वाद प्रदान प्रदान करते करते हैं। हैं। श्रावण श्रावण शिवरात्रि शिवरात्रि के के दिन दिन इस इस दिन दिन विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से भगवान भगवान शिव शिव का का पूजन, पूजन, जो जो कि कि दिन दिन और और रात्रि रात्रि इस इस दिन दिन पूजन पूजन किया किया जाता जाता है। है। विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से रात्रि रात्रि में में चार चार पहर पहर भगवान भगवान के के पूजन पूजन करने करने का का विधान विधान है। है। श्रावण श्रावण शिवरात्रि शिवरात्रि के के दिन दिन इस इस दिन दिन विशेष विशेष प्रकार प्रकार से से दिन दिन रात्रि रात्रि उपवास उपवास रहते रहते हुए हुए व्रत व्रत को को धारण धारण करके करके रहना रहना चाहिए। चाहिए। जो जो उपवास उपवास नहीं नहीं रह रह पाते पाते हैं, हैं, जिनका जिनका स्वास्थ्य स्वास्थ्य सही सही ना ना हो, हो, तो तो एक एक समय समय फलाहार फलाहार ग्रहण ग्रहण करके करके भगवान भगवान का का पूरे पूरे विधि विधि विधान विधान के के साथ साथ पूजन पूजन करना करना चाहिए, चाहिए, कथा कथा श्रवण श्रवण करनी करनी चाहिए। चाहिए। भगवान भगवान शिवजी शिवजी के के अस्तोत्र अस्तोत्र आदि आदि का का पाठिया पाठिया श्रवण श्रवण करना करना चाहिए, चाहिए, इससे इससे भगवान भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ अति अति प्रसन्न प्रसन्न होते होते हैं। हैं। तो तो आइए आइए सुनते सुनते हैं हैं सावन सावन शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत की की कथा। कथा। अगर अगर आप आप सावन सावन शिवरात्रि शिवरात्रि के के उपलक्ष्य उपलक्ष्य में में ब्राह्मण ब्राह्मण दक्षिणा दक्षिणा अन्नदान अन्नदान वस्त्रदान वस्त्रदान आदि आदि के के लिए लिए देना देना चाहते चाहते हो, हो, तो तो आप आप अपने अपने श्रद्धा श्रद्धा और और सामर्थ्य सामर्थ्य के के अनुसार अनुसार हमें हमें डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में में जा जा करके करके वहां वहां से से गूगल गूगल पे, पे, फोन फोन पे पे या या अकाउंट अकाउंट नंबर नंबर के के माध्यम माध्यम से से आप आप अपने अपने श्रद्धा श्रद्धा और और सामर्थ्य सामर्थ्य के के अनुसार अनुसार हमें हमें ब्राह्मण ब्राह्मण दक्षिणा दक्षिणा प्रदान प्रदान कर कर सकते सकते हैं। हैं। तो आइए आइए सुनते सुनते हैं हैं सावन सावन शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत की की कथा। कथा। तो तो बोलिए बोलिए प्रेम प्रेम से से भगवान भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ की की जय, जय, माता माता पार्वती पार्वती की की जय, जय, सर्वदेवी सर्वदेवी देवता देवता की की जय। जय। बहुत बहुत समय समय पहले पहले की की बात बात है है कि कि एक एक बार बार माता माता पार्वती पार्वती ने ने भगवान भगवान शिव शिव से से कहा कहा कि कि हे हे प्रभु, प्रभु, आपकी आपकी कृपा कृपा पाने पाने के के लिए लिए कौन कौन सा सा जो जो कि कि सबसे सबसे सरल सरल व्रत व्रत और और पूजा पूजा है। है। तब तब भगवान भगवान भोलेनाथ भोलेनाथ ने ने माता माता पार्वती पार्वती को को शिवरात्रि शिवरात्रि व्रत व्रत की की महिमा महिमा का का वर्णन वर्णन किया, किया, व्रत व्रत और और पूजा पूजा की की विधि विधि बतलाई। बतलाई। उसके उसके साथ साथ ही ही उन्होंने उन्होंने महाशिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत व्रत की की एक एक कथा कथा सुनाई सुनाई और और कहा कहा किसी किसी पुराण पुराण के के कथा कथा के के अनुसार अनुसार एक एक गांव गांव में में एक एक शिकारी शिकारी था था जो जो कि कि पशुओं पशुओं को को शिकार शिकार करके करके अपना अपना घर घर परिवार परिवार उससे उससे चलाता चलाता था। था। वह वह गांव गांव में में ही ही एक एक साहूकार साहूकार का का कर्जदार कर्जदार था था और और वह वह काफी काफी प्रयासों प्रयासों के के बाद बाद भी भी कर्ज कर्ज से से मुक्त मुक्त नहीं नहीं हो हो पा पा रहा रहा था। था। एक एक दिन दिन क्रोधित क्रोधित होकर होकर साहूकार साहूकार ने ने उसे उसे शिवमठ शिवमठ में में बंदी बंदी बना बना दिया। दिया। उस उस दिन दिन जो जो कि कि शिवरात्रि शिवरात्रि थी, थी, शिकारी शिकारी उस उस दिन दिन शिवरात्रि शिवरात्रि की की कथा कथा को को सुना। सुना। शाम शाम के के समय समय में में उसे उसे साहूकार साहूकार के के सामने सामने पेश पेश किया किया गया। गया। तो तो शिकारी शिकारी ने ने वचन वचन दिया दिया कि कि वह वह अगले अगले दिन दिन सभी सभी कर्ज कर्ज को को चुकाकर चुकाकर मुक्त मुक्त हो हो जाएगा। जाएगा। तब तब उसे उसे साहूकार साहूकार ने ने छोड़ छोड़ दिया। दिया। शिकारी शिकारी वहां वहां से से जंगल जंगल में में गया गया और और शिकार शिकार की की तलाश तलाश करने करने लगा। लगा। वह वह एक एक तालाब तालाब के के किनारे किनारे पहुंचा। पहुंचा। वहां वहां पर पर वह वह एक एक बेल बेल के के पेड़ पेड़ पर पर अपना अपना ठिकाना ठिकाना बनाने बनाने लगा। लगा। उस उस पेड़ पेड़ के के नीचे नीचे जो जो कि कि एक एक शिवलिंग शिवलिंग था, था, जो जो कि कि बेलपत्रों बेलपत्रों से से ढका ढका हुआ हुआ था। था। उसे उसे इस इस बात बात की की थोड़ी थोड़ी भी भी जानकारी जानकारी ना ना थी। थी। बेल बेल वृक्ष वृक्ष की की टहनिया टहनिया को को तोड़कर तोड़कर वह वह नीचे नीचे फेंकता फेंकता गया गया और और बेलपत्र बेलपत्र उस उस शिवलिंग शिवलिंग पर पर गिरते गिरते चले चले गए। गए। वह वह भूख भूख प्यास प्यास से से व्याकुल व्याकुल था। था। अनजाने अनजाने में में ही ही उससे उससे शिव शिव पूजा पूजा हो हो गई। गई। दोपहर दोपहर तक तक वह वह भूखा भूखा ही ही रहा। रहा। रात रात में में एक एक गर्भवती गर्भवती हिरणी हिरणी तालाब तालाब में में पानी पानी पीने पीने के के लिए लिए आई। आई। तब तब शिकारी शिकारी उसे उसे मारने मारने के के लिए लिए अपना अपना धनुष धनुष और और बाण बाण लेकर लेकर तैयार तैयार हो हो गया। गया। उस उस हिरणी हिरणी ने ने कहा कहा कि कि वह वह अपने अपने बच्चों बच्चों को को जन्म जन्म देने देने वाली वाली है, है, तुम तुम एक एक साथ साथ दो दो हत्या हत्या ना ना करो, करो, बच्चे बच्चे को को जन्म जन्म देकर देकर मैं मैं तुम्हारे तुम्हारे पास पास आ आ जाऊंगी, जाऊंगी, तब तब तुम तुम शिकार शिकार कर कर लेना। लेना। यह यह सुनकर सुनकर शिकारी शिकारी उसे उसे जाने जाने दिया। दिया। कुछ कुछ देर देर बाद बाद एक एक
वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तब उस हिरनी ने कहा कि वे अपने बच्चों के साथ इसके पिता की तलाश कर रही है, जैसे ही वो मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए आ जाएगी। इस बार शिकारी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरनी ने शिकारी को उसके बच्चे का हवाला दिया तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बिलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। अब सुबह होने वाली थी, तब वहाँ एक हिरण आया और फिर शिकारी उसे मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उस हिरण ने कहा कि इससे पहले अगर तीन हिरणी और उसके बच्चे को तुमने मारा है तो मुझे भी मार डालो, क्योंकि उनका वियोग मैं सह नहीं पाऊंगा। यदि उसको जीवन दान दिया हो तो मुझे भी छोड़ दो, परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष मैं उपस्थित हो जाऊंगा। रात भर उपवास और रात्रि जागरण और अनजाने में बिलपत्र से शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए आ गया। यह देखकर वह करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा को छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। भगवान शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण आदि का परिवार अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। वर्ष में दो व्रत शिवरात्रि का जो कि बड़ा ही प्रसिद्ध है, एक तो सावन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि। जिस प्रकार से महाशिवरात्रि में भगवान के पूजन करने का विधान है, उसी प्रकार से श्रावण के महीने में सावन शिवरात्रि के दिन अगर भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और इस व्रत को धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। वैसे प्रत्येक माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि का व्रत किया जाता है, लेकिन सावन के महीने में भगवान शिव जी के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। पूरे सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, वहीं पे सावन सोमवार सावन शिवरात्रि व्रत में विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का पूजन करने से सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि का व्रत जो किया जाता है, इस व्रत को निशिता व्यापनी चतुर्दशी ली जाती है। जिस रात्रि चतुर्दशी में निशिता काल का समय प्राप्त हो विशेष प्रकार से, उस दिन इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस बार चतुर्दशी तिथि प्रारंभ समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:35 और चतुर्दशी तिथि की समाप्ति होगी 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को रात्रि 10:09 पे। तो हमें निशिता व्यापनी के अनुसार जो समय प्राप्त हो रहा है शिवरात्रि व्रत के लिए, वह समय 15 जुलाई 2023 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे, क्योंकि 16 जुलाई को रात्रि 10:09 पे चतुर्दशी तिथि की समाप्ति है और इस व्रत में निशिता व्यापनी इस व्रत को ली जाती है, रात्रि व्यापनी ली जाती है। इस कारण से इस व्रत को 15 जुलाई को धारण किया जाएगा। 15 जुलाई के दिन पूजन का जो समय होगा प्रथम पहर का, वह समय शाम 7:21 से रात्रि 9:54 तक। दूसरे पहर का पूजन रात्रि 9:54 से 12:27 तक। तीसरे पहर का पूजन रात्रि 12:27 से सुबह के 3 बजे तक। और फिर चौथे पहर का पूजन जो कि रात्रि 3 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 5:33 तक। और इस दिन निशिता काल का जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 15 जुलाई की रात्रि 12:07 से लेकर के 12:48 तक।
और इस व्रत का पारण जो किया जाएगा वह 16 जुलाई 2023 दिन रविवार को व्रत का पारण किया जाएगा। पारण का समय 16 जुलाई सुबह 5:33 से दोपहर 3:54 तक होगा। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन व्रत को धारण करते हुए पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव का दिन और रात्रि पूजन करनी चाहिए। विशेष प्रकार से रात्रि में 4 पहर पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से रवित होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं सावन शिवरात्रि का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहे और इस दिन दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, आप फलाहार आदि का सेवन करके व्रत को धारण कर सकते हैं और इस दिन भगवान का सुबह के समय में मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का विशेष प्रकार से अभिषेक करें और विशेष भगवान को बिलपत्र अवश्य ही चढ़ाए। लेकिन शिवरात्रि के दिन इस दिन बिलपत्र आदि नहीं तोड़नी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बिलपत्र अगर नहीं मिल पाए तो भगवान शिव जी पे जो चढ़ाया गया बिलपत्र भी होता है उसको भी आप धो करके दोबारा भगवान शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस दिन भगवान शिव का सुबह के समय में पूजन करें और विशेष प्रकार से जो 4 पहर के पूजन का समय बतलाया गया है उस दौरान भगवान शिव जी का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है और भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान शिव का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र अर्पित करें, उसके बाद यज्ञोपवीत चढ़ाएं, उसके बाद अक्षत चंदन पुष्प पुष्पों की माला भगवान शिव जी को अर्पित करें, भगवान भोलेनाथ को विशेष प्रकार से सफेद पुष्प चढ़ाएं या कमल का पुष्प मिले तो कमल का पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित करें, उसके बाद बिलपत्र भांग धतूरा शमी पत्र आदि भगवान शिव जी को चढ़ाएं। बिलपत्र 3 पत्ते वाला, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करने चाहिए। बिलपत्र अर्पित करने से 3 जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संघारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान शिव को बिलपत्र अर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ उनके 3 जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं। और फिर बिलपत्र भांग धतूरा शमी पत्र चढ़ा करके भगवान को मंदार की माला अर्पित करनी चाहिए, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान शिव जी को अर्पित करें, विशेष प्रकार से दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाए भगवान शिव जी को, ऋतु फल आदि जो भी बन सके वो भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद फिर शिवरात्रि व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान शिव जी के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें, शिव चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के ऊपर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं या नहीं भी धारण करने वाले हैं उन्हें शिवरात्रि के दिन इस दिन भगवान शिव का अवश्य ही पूजन करना चाहिए। कुछ ना बन सके तो कम से कम जल से अभिषेक करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अवश्य चढ़ाएं, इससे भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। सावन शिवरात्रि के दिन इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तुओं का और नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मांस मदरा लहसुन प्याज अंडा आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। जहां तक हो सके अपना मन भगवान के चरणों में लगाएं। इस दिन
ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करे, स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करे या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करते हुए समय को व्यतीत करे। भगवान का जब भी आप पूजन करते हैं तो उस समय पुरुष ओम नमः शिवाय और स्त्रियां नमः शिवाय नाम जप करते हुए भगवान को पूजन सामग्री अर्पित करे या हर हर बम बम बोल बम हर हर महादेव आदि कहते हुए भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। 15 जुलाई को जो कि इस दिन सावन शिवरात्रि भी है और इस दिन जो कि प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष का व्रत प्रदोष व्यापनी ली जाती है, इसके अनुसार भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष व्यापनी के अनुसार हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन जो कि सावन शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा और प्रदोष का व्रत भी किया जाएगा। अगर आप सब प्रदोष व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से सावन मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत के बारे में जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।